उपमा में धीरे धीरे एक बड़ा ट्विस्ट आप देख रहे हैं। मेकर्स जिस मोड़ पर ये कहानी ले जा रहे हैं वो ऑडियंस को बहुत पसंद आ रही है। अनुपमा की स्ट्रेंथ, अनुपमा की हिम्मत, जहां सभी फैंस जो फीमेल फैन है शो की उसे दागी दे रही हैं कि फाइनली सच में अनुपमा ने वो कर दिखाया जो करना चाहिए था। लेकिन बड़ा ट्विस्ट ये है, कहानी ये है कि जल्द ही वनराज की जिंदगी में एक और बहुत बड़ा तूफान आने वाला है। वो तूफान क्या है वो हम आपको बताते हैं। अब वो बवाल क्या है वो हम आपको बताते हैं। यहाँ पर स्वीटी घर छोड़ चुकी है वनराज के साथ, काव्या के यहाँ आ गई है और आने वाले एपिसोड में क्या तूफान आएगा वो आपको बताते हैं। दरअसल यहाँ पर काव्या को स्वीटी धीरे धीरे बर्दाश्त नहीं होगी। सबसे बड़ा कारण ये है कि स्वीटी और काव्या एक बेड पे रहते हैं और जो काउच है, जो सोफा है, उस पर वनराज रहता है। अब ये दूरियां वैसे भी काव्या को बर्दाश्त नहीं हो रही है, लेकिन वो चाह कर भी कुछ बोल नहीं पा रही है क्योंकि वनराज का कहना है कि थोड़ा ऑकवर्ड लगेगा। दूसरा सबसे बड़ी बात कि यहाँ पर स्वीटी की डिमांड काव्या को परेशान कर देगी। स्वीटी को आदत है उसे टेबल पे ही नाश्ता चाहिए, उसे बाथरूम में नहाने जाने से पहले पानी गर्म चाहिए, सारे कपड़े पहुंच जाने चाहिए, बाहर जा रही है तो उसके कपड़े प्रेस होने चाहिए, हर चीज़ उसे हाथ में मिलने की आदत है जो अनुपमा ने आदत दी है। क्या काव्या, हम आप सभी जानते हैं कि काव्या जब वनराज की ज़रूरतों को पूरा नहीं कर पाई थी, वो स्वीटी की इस तरह की डिमांड को कैसे पूरा करेगी? और ऐसे में धीरे धीरे काव्या और स्वीटी के बीच में लड़ाइयाँ बढ़ती जाएंगी और थक हार कर एक दिन स्वीटी अपने पापा से सारी चीजों की शिकायत करेगी और वनराज इस बात के लिए काव्या पर चढ़ बैठेगा, उस पर लड़ाई करेगा और दोनों के बीच में बहुत बड़ा झगड़ा होगा। यानी वनराज यहाँ जिस सुकून की तलाश में आए हैं अपनी बेटी को लेकर कि फाइनली वो अनुपमा को तोड़ रहा है, उसकी बेटी को उससे वापस लेके आया है यहाँ पे और अब यहाँ पे स्वीटी उसके साथ रहेगी, धीरे धीरे सभी लोग अनुपमा को छोड़ देंगे। अब वनराज को समझ में आएगा कि स्वीटी को यहाँ ले आना उसकी जिंदगी की और दूसरी सबसे बड़ी गलती थी।